प्रेम से बोलो जय माता, मिलकर बोलो जय माता जी। हम यहाँ से पावागढ़, उसके लिए आप बाय। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली पावागढ़ माँ कालंका के दरबार में। तो अभी हम लोगों ने गाड़ी लगा दी है और हमारे छोटे भाई राजेन और नीलेश भाई तैयार है। हम लोग रेडी चढ़ेंगे ऊपर, सीधे महाराज जी के दर्शन करेंगे। लिफ्ट से जाएंगे? लिफ्ट से नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। लिफ्ट से जाएंगे? हम पैदल जाएंगे। ओके है, हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट से और ये जा रहे लिफ्ट से नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे पैदल। और ये बाकी सब लिफ्टर से जाएंगे, ये लिफ्टर जाएंगे। जो जो पानी आने की संभावना तो है, पर हम लोग कुछ भी हो जाए पैदल ही जाएंगे। और यहाँ पर अभी बहुत कुछ नया हो रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे। और हमारी पूरी टीम, ये हमारे बॉस है ना, ये बॉस पार्टी के लीडर, ये मैनेजर, ये क्या बोलते हैं इनको, ये सारे। और ये एचआर है, हाँ ये हमारे एचआर है। और हम सारे हैं इनके वर्कर। तरफ है ये वडोदरा चोटीला, ये वाला स्थान है लिफ्ट वाला, और ये वाला स्थान है पैदल वाला। तो सिर पर 45 मिनट में 1800 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर माता जी के दर्शन के लिए। आपको माता जी के दर्शन के लिए सीढ़ियाँ सिर पर ऊपर दिख रहा है, जो वहाँ पर माता जी का शिखर है। ये वहाँ पर चढ़ेंगे हम लोग पैदल पैदल, और बदल आ रहे हैं नीचे, पानी की पूरी संभावना है। यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर हम लोग सभी साथी, ये मेरे सभी सज्जन लोग, और धीरे धीरे चलते हम लोग आगे की ओर। चलते समय पानी बहुत शानदार गिर रहा है यहाँ पर, जैसे ही पानी गिरे ना बंद होगा हम लोग और चढ़ेंगे। ऊपर माल कुछ भी जो भी ले जाना रहता है, लकड़ी, कंडे, ईंट, नारियल, जो भी बहुत सारी चीज़ें ये गधों से ही ले जाया जाता है यहाँ पर ऊपर सीढ़ियों पर। सीढ़ियों पे दूसरा कोई संसाधन नहीं चढ़ सकता, इसलिए इनसे ही ढोया जाता है सामान। हम कुछ दूरी पर चढ़ाव चढ़ चुके हैं, आपको जो नीचे दिख रहा होगा व्यूस, वो बहुत छोटे छोटे मकान, वहाँ से हम लोग पैदल पैदल आए। और ये सामने दिख रही है आपको, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पर। आने के लिए बहुत ही चढ़ने के लिए आसान तरीका है लिफ्ट। और जो ऊपर दिख रहा है
वहाँ पर लिफ्ट है, ये वहाँ तक जाती है और उसके बाद में फिर पैदल जाना पड़ता है साथियों। तो आप जब भी आए कंफ्यूज ना होए और माता जी के जरूर दर्शन करके जाइए। जय माता दी। हमारे पंडित जी पूनम पंडित चुंदरी और ये पांच नारियल खरीदे हमने, पैसे रख लो। ये हमारे हैं, बहुत हमारे सेठ हमारे और सेठों में सेठ कमरिया साइड बाकी सारे डुप्लीकेट। सेठों में हम लोग यहाँ दूध या दूधिया तालाब के नाम से प्रसिद्ध है, यह तालाब में के पास में पहुँच चुके हैं और अभी तो मंदिर और ऊपर है, चढ़ाव बहुत बाकी है और वहाँ पर जाके आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। और अगर दर्शन करने देंगे माता जी का वीडियो के साथ कैमरा, तो आप लोगों को ज़रूर वहाँ का दृश्य दिखाऊँगा और नहीं तो हम लोग मिलते हैं। समय में नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि को विशेष ध्यान देखते हुए यहाँ पर स्वच्छता बनाए रखें, अनावश्यक कपड़ा ना छोड़े और सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे स्वच्छता बनाए रखें और ये पानी से ही नहाना है और इस पानी से ही नहा के जाना है, तो आप लोग इसका पूर्णतः स्वच्छता का ध्यान रखें। जी यहाँ पर ऊपर चढ़ रहे हैं ये माता दी। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। गए हम लोग पास में मंदिर के, बस फाइनली माता जी के दर्शन करवाएंगे और मेरे साथी लोग पास में आके थकान हो गए, इनको सब बैठे लाइन से, मेरा भाई भी बैठ गया नीलेश। जय माता दी। प्रेम से बोलो, जय माता दी। मिलकर बोलो, जय माता दी। पहुंच गए हम लोग मंदिर के यहाँ और बहुत ही भी शानदार मंदिर बन गया है। यहाँ पर पहले से बहुत ही परिवर्तन हो गया मंदिर में। साथियों ये नीचे का दृश्य है, यहाँ से मंदिर के ऊपर से देखते हैं तो यहाँ का व्यू से ऐसा दिखता है, बहुत ही शांत।
तो आपको अंदर का दृश्य दिखाऊंगा जरूर, और नहीं रहेगा तो माता जी का कृपा आप पे बनी रहेगी। हम लोग जा रहे हैं अंदर, अभी ये मंदिर है बहुत ही शानदार बन गया अभी यहाँ पर। आ चुके हम लोग मंदिर में। जय माता दी। नहीं ले जाने देते हैं, मैं बाहर से ही पूरा आपको दृश्य दिखाऊंगा पूरा मंदिर के राइट साइड का। अभी बहुत अच्छा मंदिर बन गया है यहाँ पर, और मंदिर बन गया है बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतर बना है, और पानी भी आ रहा है यहाँ पर। हम लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा पत्थर से बना हुआ है। पूरा वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ का मंदिर का। हे माँ, मैं ले जा रहा हूँ फोटो खींचने के लिए, धीरे से आपको दर्शन करवा रहा हूँ माता जी का, बस यहीं।